Hello students, yesterday we learnt about people as a resource, and we know from this chapter what is human resource and what is human capital and how we convert human resource as human capital. And this response, we know that when we invest through education, training and medical care in human resource, human be human capital. This process we know, story of Sakal and story of Vilas. Today we learnt more about this, that is economic and non-economic activity, types of capital, physical capital, human capital, quality of population. कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन को हम मानव पूंजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी क्रम में हमने देखा कि जब हम शिक्षा यानी शिक्षण प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के द्वारा मनुष्य में या ह्यूमन में हम निवेश करते हैं तो वह व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्किल का विकास होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये हमने कल सीखा और इसी क्रम में सकल और विकास की स्टोरी को भी हमने रीड किया और उस दोनों में देखा कि किस प्रकार एजुकेशन और स्वास्थ्य के द्वारा सकल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और विलास की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई। आज उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाकलाप, टाइप्स ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल कितने प्रकार की, तो इसको हमने कल भी पढ़ा था, आज भी उसको ध्यान लो कि कैपिटल दो प्रकार की होती है, फिजिकल कैपिटल जिसमें हम लैंड लेबर लैंड मनी आदि को रखते हैं, दूसरा कैपिटल ह्यूमन कैपिटल है जो हम पढ़ रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार पूंजी बनता है। इन सब में यानी इन दोनों फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों में ह्यूमन कैपिटल सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह शेष सारी कैपिटल को मैनेज करके उसको और प्रोडक्टिव बना देता है। तो आज का क्रम जो हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उसमें कल के क्रम में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि किस प्रकार से मानव पूंजी में निवेश करके अनेक देश विकसित देश बन गए, धनी देश बन गए। उदाहरण स्वरूप जापान का हमने कल उदाहरण लिया था कि जापान ने ह्यूमन कैपिटल में निवेश करके अपने को एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया। आज इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी किसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे और किसको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। लाइक विलास एंड सकल, पीपुल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड सकल गॉट ए जॉब इन द फर्म। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन सेक्टर्स। जो हम नित्य प्रति बहुत सारी क्रियाकलाप को करते हैं उनको तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग।
Secondary sector includes manufacturing, means industrial sector, and tertiary sector includes service, trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, etc. and insurance also. The activities in this sector results in the production of goods and services. These activities add value to the national income. ये सारे क्षेत्र जो हैं वस्तुओं का मिलकर के वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे राष्ट्रीय आय निर्मित होती है बनती है. दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर आल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज. मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स. यानी इन आर्थिक क्रियाकलापों को बाजारी क्रियाकलाप कहते हैं. और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्रियाकलाप जिनके बदले पैसा मिलता हो उन सबको हम आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखेंगे. दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज. दूसरी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसको समझिए कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. यानी ऐसे क्रियाकलाप जो सेल्फ कंजम्पशन आत्मसंतुष्टि के लिए हों अपने लिए हों उनको हम नॉन इकोनॉमिक क्रियाकलाप कहते हैं. या ऐसा समझो कि ऐसे क्रियाकलाप जिनके बदले पैसा नहीं मिलता उनको अनार्थिक क्रियाकलाप कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वोमेन इन द फैमिली. वोमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड. हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से इन क्रियाकलापों को प्राचीन काल से ही दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं या डिवाइड हैं. एक ऐसे क्रियाकलाप जो घर के अंदर किए जाते हैं जिसको महिलाएं करती हैं जो औरतों से संबंधित है, और दूसरे ऐसे क्रियाकलाप जो पुरुष वर्ग करता है वो घर के बाहर करता है खेतों में करता है. वोमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली. औरतें जो घर पे काम करती हैं जैसे बच्चों को के कपड़े धुलना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना आदि, उनके लिए उनको पैसा नहीं मिलता. द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वोमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम. इसलिए ऐसे कार्यों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, जोड़ते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि ये पैसे इसके बदले में पैसा नहीं मिलता. वोमेन्स आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट. और यही औरतों के काम या यही औरतें जब लेबर मार्केट में इंटर करती हैं अर्थात इसके लिए इनको पैसा मिलता है. जैसे किसी के यहाँ भोजन बना रही हैं उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, किसी के यहाँ बर्तन धुलने झाड़ू लगाने का काम करती हैं उसके बदले में उनके पैसा मिलता है, तो वो भी आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है. दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल कंट्रापोनेंट is determined on the basis of education and skills. Education and skills are the major determinants of the earning. Shiksha aur kaushal earning ka ek pramukh madhyam hai. Any individual in the market
मेजॉरिटी ऑफ वोमेन है मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। हम प्रायः देखते हैं कि अधिकतर संख्या औरतों की वो कम शिक्षित और कम कुशल होती है। सो वोमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, इसलिए उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम धन मिलता है। मोस्ट वोमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, बहुत सारी औरतें ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं जिन्हें जहां उन्हें जॉब सिक्योरिटी यानी सुरक्षा नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इररेगुलर एंड लो इनकम। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। वोमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मेन, जो शिक्षित औरतें होती हैं उनको पुरुषों के समान वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। वोमेन एमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। शिक्षा का क्षेत्र और मेडिकल का क्षेत्र ये महिलाओं का पसंदीदा क्षेत्र है, इसमें वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। सम वोमेन हैव इंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। एक और हेडिंग हमने इसमें लिया था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है उसकी क्वालिटी क्या है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स। किसी भी देश की जनसंख्या की क्वालिटी उसके साक्षरता दर, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा पर निर्भर करती है। जिस देश की जनसंख्या का स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और कौशल अच्छा होता है उस देश के लोगों की क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि लिटरेट यानी शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या देश की संपत्ति होती है और अशिक्षित तथा अस्वस्थ जनसंख्या देश के दायित्व बन जाती है। आज हम यहीं पर आपका ये चैप्टर बंद करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जिनके आंसर आप जो इसके पिक भेजेंगे उसे ढूंढ करके लिखेंगे। थैंक यू।